नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेशर कन्वर्जन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम, पीएसआई और मेगा पास्कल को आपस में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं सिर्फ इसका फैक्टर बताऊंगा, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से आप एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम प्रेशर से पीएसआई यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर से पीएसआई यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच में। तो सबसे पहले हम प्रेशर लेते हैं। हम प्रेशर लेंगे दोस्तों 5 एटीएम। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 14.6959487 से। तो दोस्तों हमें ये फैक्टर याद रखना होगा या आप इसे लिख कर भी रख सकते हैं। तो हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 73.479 PSI प्रेशर हो गया, यानी 5 ATM का 73.479 PSI प्रेशर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम उल्टा करते हैं यानी PSI से ATM में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे। हम प्रेशर ले रहे हैं 120 PSI। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 0.068045964। तो हमें ये फैक्टर याद रखना होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि 8.1655 ATM प्रेशर हो गया, यानी 120 PSI का 8.1655 ATM प्रेशर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों मेगा पास्कल से PSI में यानी MPa से PSI में। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले लेते हैं। हम प्रेशर ले रहे हैं 2 मेगा पास्कल। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 145.03778। तो हमें ये फैक्टर याद रखना होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि 290.075 PSI प्रेशर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम उल्टा करते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों PSI से मेगा पास्कल में। PSI से मेगा पास्कल में करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं। 150 PSI। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 0.00689475 7। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये फैक्टर याद रखना होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि 1.0342 मेगा पास्कल ये प्रेशर हो गया, यानी 150 PSI का 1.0342 मेगा पास्कल प्रेशर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ATM प्रेशर से मेगा पास्कल प्रेशर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं 200 ATM प्रेशर। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 0.101325। ठीक है, हमें ये फैक्टर याद रखना होगा। अगर हमें ATM से मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो 0.101325। अब देख सकते हैं दोस्तों कि 20.265 मेगा पास्कल प्रेशर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको उल्टा करते हैं। अब हम MPa से यानी मेगा पास्कल से हम कन्वर्ट करेंगे ATM में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रेशर ले रहे हैं। 5 मेगा पास्कल, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.86923267। तो हमें ये फैक्टर याद रखना होगा। तो देखिए दोस्तों 49.346 ATM प्रेशर हो गया, यानी 5 मेगा पास्कल का 49.346 ATM प्रेशर हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से सिर्फ फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक प्रेशर यूनिट से दूसरे प्रेशर यूनिट में प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।